इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक युवक ने चप्पल फेंकी है। यह घटना पटना के बापू सभागार में उस वक्त हुई जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू छात्र समागम के कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह सहित अन्य नेता बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे। मुख्यमंत्री सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद मंच पर बैठे हुए थे, तभी चंदन नामक युवक ने सीएम नीतीश की तरफ चप्पल फेंका। युवक के चप्पल फेंकने के बाद कार्यक्रम में अफरा तफरी फैल गई। बताया जाता है कि आरक्षण को लेकर चंदन ने चप्पल फेंकी है। चप्पल फेंकने के बाद जेडीयू नेताओं ने चंदन की जमकर पिटाई की। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत चंदन को हिरासत में ले लिया। हालांकि राहत की बात यह रही कि मंच पर दूरी ज्यादा रहने के कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक फेंकी गई चप्पल नहीं पहुंच सकी। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।